नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीने के दौरान राज्य की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। दरअसल दूसरी ओर योगी सरकार पर कथित तौर पर उपचुनाव वाले जिलों में यादव और मुस्लिम अधिकारियों को हटाने का आरोप एक मीडिया रिपोर्ट में लगाया गया है। अब इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अखिलेश यादव ने सीएम योगी को सुनाई खरी खरी और कैसे सीएम योगी के लिए ये चुनाव है साख बचाने का चुनाव। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर यादव और मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह का आरोप और भी गंभीर हो गया है। खबर है कि मुरादाबाद को छोड़कर बाकी उपचुनाव वाले इलाकों से यादव और मुस्लिम अफसरों को योगी सरकार हटा रही है। ऐसा दावा एक वेबसाइट पर किया गया है। योगी सरकार का मानना है कि लोकसभा चुनाव में यादव और मुस्लिम अफसरों ने मिलकर भाजपा को हरा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को इस खबर और इससे संबंधित वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए भाजपा और योगी पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर बुधवार को लिखा, जब उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना ये भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनाव में अपनी 10/10 की हार के अपमान से बचने के बहाने न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी, कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। यानी कि यूपी में 10 उपचुनाव को लेकर भाजपा के अंदर भी राजनीति गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में असंतुष्ट गुट ने लोकसभा चुनाव में राज्य में मिली करारी हार के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए हटाने की मुहिम चल रही है। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि भाजपा अलकमान यानी मोदी शाह ने असंतुष्टों को उपचुनाव के नतीजे आने तक रुकने के लिए कहा है। इस बीच योगी ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए खुद को कट्टर हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने की मुहिम तेज कर दी है। हाल ही में उनके कई फैसले इस ओर इशारा भी करते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद खाली फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। सपा के 4 विधायकों के सांसद और एक विधायक के दोषी ठहराए जाने के कारण 5 सीटें खाली हुई हैं, जबकि भाजपा के कोटे से 3 विधायक सांसद बन गए हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी विधायक के सांसद बनने और 1 सीट निषाद पार्टी के विधायक के बीजेपी से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। इस प्रकार 5 सीटें सपा के कोटे की हैं, जबकि 5 सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि उपचुनाव को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस दावे में कि यादव और मुस्लिम अफसरों को योगी सरकार हटा रही है, इसमें कितना दम है ये देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो यूपी की राजनीति में इस घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ अब अपनी कुर्सी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उपचुनाव होने तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सलामत है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उपचुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी आए दिन उनके लिए मुसीबतें खड़े करने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाला ये विषय होगा कि उपचुनाव से पहले कितने लोग सीएम योगी को गिराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।